हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद है आप सब लोग राजी खुशी होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर परिवारों में बने होंगे। इस कोरोना काल की महामारी में आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो दिन की शुरुआत करते हैं, चलिए फिर। तो दोस्तों, आज की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि मैं खाना वाना जो भी था मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और मैं बिल्कुल गर्मी, देखो पसीना आ रहा है, बिल्कुल पंखा नहीं चला रखा ना मैंने, ये ब्लॉक के चक्कर में थोड़ा आवाज़ नहीं आती क्लियर इस तरीके से, तो मैंने सोचा पंखा रहने दूँ यार, छोड़ दूँ। वो उधर कूलर है और कूलर भी बंद पड़ा हुआ है, उसको भी नहीं चला रहा हूँ। और बेड की सफाई हो चुकी है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बस ऐसा लग रहा है कि अब कोई बंदा आएगा इसमें सो जाएगा। अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दी है। अब इस दिन की शुरुआत में मेरा क्या है कि जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, उसको उसकी साफ सफाई करनी है, तो उसकी साफ सफाई ऑलमोस्ट डन 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 हो चुकी है। बिल्कुल मैं उसकी साफ सफाई हम कर चुके हैं, बस मैं आपको सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ कि उसकी साफ़ सफाई हमने कितनी करी है, क्या गंदगी पड़ी थी, क्या चीज़ था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कमरे में ये हमारा देख रहे हो चेयर है और एक चेयर है हमारी, हमने ये कपड़े ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि बाहर ना बाहर का मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रखा है। ये हमारा कूलर जो अभी बंद पड़ा हुआ है, चलेगा कुछ देर बाद चलेगा। चलते हैं बाहर की ओर। ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं इधर क्योंकि बारिश के चलते हुए, अभी तो मौसम वैसे बना हुआ है, देख रहे हो बारिश का, अभी भी मौसम बारिश वाला बना हुआ है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। बारिश वाला मौसम, ये ऊपर वाले कमरे में सामान था जो मैंने यहाँ रख दिया है क्योंकि साफ कर दिया ना, तो अभी कोई किराएदार आने वाले हैं तो उनको ये वाला फ्लोर दिखाएंगे, इसलिए इसकी सफाई थोड़ा जल्दी करवा ली है। ये देख रहे हो क्लीन, कुछ दिन तो ये मिट्टी, ये सारे बर्तन हैं हमारे साफ सफाई के, थोड़ा कीले इतनी बहुत सारी, ये पत्तियाँ थी ब्लेड थी जिसकी जिससे हमने साफ किया था। और ये जगह थोड़ा साफ हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, देख रहा है। ये कुंडा खोल दिया, ओह माय गॉड, आपको दिखाऊं छिपकली, ये देखो छिपकली 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 दौड़ रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं कमरे की। तो फाइनली कमरा एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो चुका है, साफ वगैरह हो चुका है। ये कहीं किसी जगह पे ना ये थोड़ा बहुत, ये देखो जैसे यहाँ पे ही थोड़ा बहुत गंदगी रह गई है, इतना बहुत चलता है थोड़ा किराएदार के लिए, अभी आएंगे तो सारा हम ही साफ़ कर देंगे, तो वो क्या साफ़ करेंगे, उनको भी तो साफ़ करना होगा ना कुछ चीज़ें। तो ये फ़िलहाल किचन है और ये किचन थोड़ा साफ साफ हो चुका है। अब चलते हैं थोड़ा ये अंदर वाले बेडरूम में, और ये बेडरूम सेम जैसे नीचे नीचे है वैसे ही है, बस थोड़ा यहाँ ये कलरिंग वलरिंग वाला थोड़ा अलग है ये, और ये ऊपर ये देख रहे हो ये ऊपर, ये खोलना आजकल ना बारिश के चलते हुए थोड़ा दिक्कत हो जाती है इनको खोलने में। ये लाइट वाले ने इसको पता नहीं कैसे कर रखे रखा हुआ है, पीछे लाइट का पता ही नहीं चलता कौन सा बटन कैसा है क्या है। ये वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे नल दे रखा है। और ये देखो ना कुछ दिन यहाँ पे ना ये बारिश हुई थी ऊपर से, ऊपर अभी जाल ने यार अभी रखा नहीं है तो जाल अभी बनेगा, तो उसकी वजह से ये ना पीछे कमरे में पानी पानी आ गया सारा,
देख रहे हो बारिश की वजह से पूरा पानी हो गया, गंदा हो गया पूरा कमरा। ये हमारी अलमारी है, हमारी मतलब किराएदारों के लिए ये अलमारी, ये पूरे ऊपर तक अलमारी है। और अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये टाइलें भी साफ करी है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने ये भी साफ नहीं करी, ये भी साफ करके सारे साफ करी है। ठीक है, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। अरे भाई मशक्कत करनी पड़ रही है बहुत, देर लगती नहीं है। मौसम तो देखो एकदम बिल्कुल काला पड़ गया यार, बारिश वारिश आने वाली है क्या जल्दी? लगता तो वैसे ही है कि बारिश आ जाएगी अभी। कल ऊपर वाले फ्लोर को करेंगे साफ़ सफाई, और फिर मतलब अपना मंडे तक एकदम बिल्कुल सारा कंप्लीट हो जाएगा साफ सफाई वगैरह जो भी है सारी कंप्लीट हो जाएगी। चलो फिर नीचे चलते हैं, वो जो कपड़े मैंने रखे हुए हैं अभी सुखाने के लिए उनको रखते हैं, और फिर क्या करें, बारिश होने वाली है भाई जल्दी। अभी तो मैंने रखे थे, अभी अभी इनको निकाल के अंदर रखना पड़ेगा, सारे कपड़े फिर अंदर रखने पड़ेंगे मुझे, फालतू मैंने निकाले मैंने ये। यो तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कमरे में, और हो तो अब कमरे में आ चुके हैं दोस्तों, तो अब क्या करें यार, अब कहीं बारिश का बिल्कुल मौसम बन चुका है। मैं सोच रहा था बाहर चले जाऊं अभी, मुझे कुछ ना और चीज़ें भी ले आनी है ऊपर के लिए, अभी किराएदार आएंगे तो किराएदारों के लिए करीबन सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए ना, तो अभी ऊपर बहुत सारा सामान अवेलेबल नहीं है, जैसे कि पंखा हो गया, थोड़ा लाइट की फिटिंग सही से करनी है, मतलब सही से कैसे, फिटिंग तो ऑलरेडी डन हो चुकी है, बस उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करनी है कि जो प्लग जहाँ लगना चाहिए वहाँ, लाइट का कुछ बटन ऐसा है जिनसे एक बटन से दो लाइट जलती है, तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल सही करना है, तो अब थोड़ा ये चीज़ें करनी है। पसीना देख रहे हो एकदम तर भर हो चुका हूँ मैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारे प्यारे मुखड़े ये उजले, काहे बनाए तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वहाँ रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। यार दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, एक बार फिर से हम जल्दी आपके लिए नए ब्लॉग लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और वो जो ना सब्सक्राइबर
करना होता है ना वो तो पक्का करें भाई सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी आपको दिख पाएगी। और वो घंटी वाला जो बटन है वो दबाना तो भूलना ही नहीं, वो तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, धन्यवाद।